दिल्ली से कानपुर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से आधा दर्जन आवारा जानवरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान इंजन की छठवीं बोगी में आवारा जानवरों के फंसने से ट्रेन के पहिए बेपटरी हो गए, जिसके चलते ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया। चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पूरा मामला फिरोजाबाद जिले के सुकुहावा क्षेत्र अंतर्गत गाँव नीम खेरिया के समीप का है, जहाँ कुछ ग्रामीण आवारा जानवरों को भगा रहे थे। तभी टोंडला की तरफ से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से आधा दर्जन आवारा पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रेन का पहिया बेपटरी हो गया। हादसे को देखते हुए चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे की जानकारी होते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेलवे स्टेशन अधीक्षक सहित पूरे स्टाफ मौके पर पहुंच गया। कड़ी मशक्कत के बाद बेपटरी बोगी को इंजन से अलग कर दिया गया और टोंडला से राहत ट्रेन मौके पर आ गई और राहत बचाव कार्य चालू कर दिया। तो देखते रहिए रविंद्र गौतम की ये रिपोर्ट। इसमें डाउनलाइन से जो ट्रेन जा रही थी मालगाड़ी, इसका इंजन से छठवें वैगन की हावड़ा एंड की बोगी डरेल हुई है, जिसमें मुख्यतः जो हमारे कैटल हैं वो फंसे हुए हैं, जिसके कारण डरेलमेंट होने का मेन कारण वही है। जो कैटल हैं वो पता नहीं किधर से, या तो डाउन साइड से आए हैं या अप साइड से आए हैं, तो वो बीच में आ गए हैं, जिसके कारण यह डरेलमेंट हुआ है। कोई गाड़ी भी प्रभावित हुई है? वैसे जो मेन गाड़ियाँ हैं डाउन की वो निकल चुकी हैं, फिर भी इसके पीछे जो मेला स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई हैं वो कुछ खड़ी हुई हैं, तो वो जैसे ही ट्रैक क्लियर होता है उनको प्रायोरिटी पे निकाल दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर क्या मामला? ये गाड़ी मालगाड़ी थी, दादरी से जा रही थी अपने बिहार के लिए, तो आवारा सांड आ गए थे इसके पीछे, उसकी वजह से डेडमेंट हुआ है जी। कितने इससे कितनी गाड़ियाँ प्रभावित होंगी, क्या होगा कुछ? अभी तो अपलाइन बाधित है जी, बाकी डाउनलाइन चालू है। डाउन बाधित है अब चालू है।